तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द हमारी रंग बिरंगी होली आने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा होली वाला माहौल बनाने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जबरदस्त पॉपुलर होली सॉन्ग होली खेले रघुवीरा अवध में। तो जो ये गाना है ये इतना मास्टरपीस सॉन्ग है कि हर साल इसे आप होली में सुनने को पाएंगे हर जगह पर, क्योंकि इस गाने के बिना होली अधूरी सी लगती रहती है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस जबरदस्त गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस गाने के मुखड़े पार्ट को सीखेंगे। तो किस प्रकार से इसका मुखड़ा है, तो किस प्रकार से बजाना है सुर में करके अब समझते हैं। तो सी शार्प नोट से स्टार्टिंग हो रही है गाने की, हाई ऑक्टो के इस वाली बटन से, पहली काली नोट से। किस प्रकार से बजाना है ध्यान से समझिए। किस प्रकार से इस लाइन को बजाना है एक बार सुर में करके और इसे हम सीखेंगे। आप चाहें तो इस वाले नोट का थोड़ा सा कड़ा ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद जो अगला लाइन है उसे किस प्रकार से बजाना है। किस तरीके से प्ले करना है। सुर में करके समझते हैं एक बार और। फिर इसके बाद सेम पहले वाला पैटर्न। तो दोस्तों ये है इस गाने का मुखड़ा पार्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मुखड़ा पार्ट बजाना समझ में आया होगा। तो अब फटाफट करके हम बढ़ेंगे इसके बीच वाले म्यूजिक की तरफ, क्योंकि बीच में इसमें एक छोटा सा म्यूजिक पार्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा म्यूजिक है। तो किस प्रकार से म्यूजिक पार्ट है, सुर में करके सीखते हैं म्यूजिक पार्ट को किस तरीके से बजाना है। कैसे बजाना है, फिर इसके बाद कैसे प्ले करना है सोलो में करके सीखेंगे। एक बार और सोलो में करके समझते हैं इस वाले पैटर्न को। तो एक बार और इसे हम पूरा रिपीट करेंगे म्यूजिक पार्ट को किस तरीके से बजाना है। आप चाहें तो दूसरी बार इस वाली बटन से आप इसे पैटर्न को बजा सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से इसे बजाना पसंद करते हैं। एक दो बटन इधर उधर आप अपने हिसाब से टच कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अंतरे की तरफ। तो अंतरा किस प्रकार से इसका है, तो सुर में करके समझेंगे अंतरा किस प्रकार से बजाना है। किस प्रकार से बजाना है सुर में करके एक बार और समझते हैं। फिर इसके बाद
कैसे बजाना है? फिर से सेम पैटर्न। एक बार सुर में करके सीखते हैं किस प्रकार से बजाना है। इतना बजाने के बाद फिर से वही पैटर्न शुरू हो जाएगा मुखड़े पार्ट वाला, जैसे हमने मुखड़े पार्ट में बजाना सीखा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा गाना है वो अब पूरा कंप्लीट हो गया है, पर एक बार मैं आपको इस गाने का मुखड़ा, म्यूजिक और अंतरा तीनों जोड़कर बताता हूं ताकि आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए किस प्रकार से इस पूरे गाने को प्ले करना है। तो चलिए फटाफट करके पूरे गाने को अब हम रिपीट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का जो हमारा गाना था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये ज़बरदस्त गाना अपने कीबोर्ड के ऊपर बजाना समझ में आया होगा। अगर वीडियो के माध्यम से आपको कोई मदद मिली हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पियानो टॉपिक के साथ। तब तक आप इस गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से बजाते रहिए और इस होली बहुत सारा धमाल और मस्ती मजाक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।